लगता है कि राजस्व की टीम जो लीपापोती करने में लगी है? जी, पिछली बार के नाम से मैं संतुष्ट नहीं था, इस बार आरआई साहब आए हुए हैं, हमें उनको पूरा भरोसा है तो न्याय करेंगे। जो है तालाब कब्जा किए हैं, इनका जितना बाउंड्री है पेट्रोल पंप का उतना दूर है, वो अपना नाप ले, उसके बाद पूरी जमीन ग्राम सभा की खाली कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अवैध तरीके से कब्जा किया गया? एकदम 100% तरीके से। कितनी? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश की आवाज न्यूज। जनपद मिर्जापुर के अंतर्गत थाना जिगना के बिहसड़ा में तालाब पर अवैध रूप से कब्जा। जी हाँ, देख सकते हैं इस वीडियो में हमारी खास रिपोर्ट, बिहसड़ा के तालाब पर अवैध रूप से कब्जा। देखते रहे प्रकाश की आवाज न्यूज। बिहसड़ा में यहाँ पर एक तालाब है जिसको लेकर काफी विवाद मचा हुआ है। विगत कई दशकों से यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। अब कब्जा किसकी तरफ से अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमारे साथ वादी हैं जिन्होंने इसके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, अजहर अली जी हैं, इनसे हम जानेंगे क्या पूरा मामला है। और आपको बता दें, पिछले कई दशकों से यह मामला चला आ रहा है, कई ये अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। कहा यह जाता है कि एक बीघे का पट्टा कराया गया था, एक बीघे का रजिस्ट्री कराई गई थी, लेकिन 2 से 2.5 बीघे तक उस पर कब्जा किया गया है। क्या है पूरा मामला बताएं? अवैध रूप से जो है तालाब कब्जा किए हैं, इनका जितना बाउंड्री है पेट्रोल पंप का उतना दूर है, वो अपना नाप ले, उसके बाद पूरी जमीन ग्राम सभा की खाली कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अवैध तरीके से कब्जा किया गया है? एकदम 100% अवैध तरीके से। कितनी जमीन है? लमसम जो है 5-6 बीघा कब्जा किए हैं। 5-6 बीघा। राजस्व की टीम आई है 2-3 घंटों से नाप हो रही, फिर भी अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कंफर्म नहीं कर पाए हैं। पिछली बार जो नाप हुई थी उसमें लीपापोती करने की कोशिश की जा रही बात सत्य है? लीपापोती हुई थी से दोबारा जो है अजीम साहब ने आदेश दिया है। क्या लगता है कि राजस्व की टीम कहीं ना कहीं घास पास कर रही है, लीपापोती कोशिश कर रही है? देखते हैं मौके पर क्या होता है। फिलहाल अभी तो हमको उम्मीद है कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आप अभी सुन रहे थे अजहर अली जी को, इनका साफ तौर पे कह रहा है कि लीपापोती हो रही है, अवा कहीं हो रही है, क्योंकि पिछले 4 घंटे से हम लोग भी यहाँ मौजूद है और किसी तरीके का कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है। इससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि राजस्व की टीम कहीं ना कहीं लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। अब कौन इसके पीछे है, कौन पैसा खा रहा है, वक्त बताएगा, देखते रहिए। चंद्रशेखर कुशवाहा, ग्राम प्रधान भेसरा कला। क्या मामला है यहाँ पे, नाप चल रही है? मामला सर ये यहाँ पर एक तालाब है जिसका कि एक बार रिट किया गया, दूसरी बार जब कोई अनुपालन नहीं किया गया उस रिट पर तो कंटेम्प्ट किया गया। कंटेम्प्ट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दूसरी बार कंटेम्प्ट किया गया। आज राजस्व की टीम आई, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जब दूसरी बार कंटेम्प्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि आप PIL के थ्रू आइए। तो दूसरी बार PIL के थ्रू कंगेट गए तो माननीय उच्च न्यायालय ने 3 तारीख तक राजस्व की टीम से इंस्ट्रक्शन मांगा है। टीम हमारी लगी हुई है, आरआई साहब हैं, लेखपाल साहब हैं और सब सॉर्ट आउट करने के लिए लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि तालाब तालाब जमीन कहाँ तक है, कितने रकबे का है, क्या है इसका नंबर क्या है? जैसा कि मुझे संज्ञान में आया है, अभी मैंने अभिले को कायदे से नहीं देखा, लेकिन लेखपाल साहब ने जो मुझे बताया लगभग 4 बीघे के आसपास का ये तालाब है और ये कुछ अतिक्रमण किया गया है और जिसको कि खाली कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से आदेश मिला हुआ है। इसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ही आप लोग सभी आए हुए हैं, उसका सीमांकन कर रहे हैं। 4 बीघे के सापेक्ष में इस समय तालाब कितना? देखिए अभी तो सीमांकन कर रहे हैं, सीमांकन करने के उपरांत ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितना क्या है। पहली बार में क्या हुआ था? देखिए पहली बार जब पश्चिम साइड से नापते हैं तो दूसरा आता है, पूर्व साइड से नापते हैं तो दूसरा आता है। ये वहाँ पोह की स्थिति बनी हुई है। पिछली बार जब सीमांकन हुआ था तो मुझसे कहा गया कि आप स्मार्ट मेमो पर साइन बनाइए और बताइए क्या स्थिति है। मैंने कहा कि मैं स्मार्ट मेमो संतुष्ट नहीं हूँ। इन्होंने कहा कि 2 संदिग्ध स्थिति बन रही है। संदिग्ध स्थिति जो संदिग्ध स्थिति बनती है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा जो संदिग्ध स्थिति बनी हुई है उसी के लिए हमारे राजस्व की टीम होनी चाहिए। मान लीजिए हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो हमारी राजस्व की टीम जो है उस संदिग्ध स्थिति को कंफर्म करे कि स्थिति क्या है। क्या लगता है कि राजस्व की टीम जो लीपापोती करने में लगी है? जी पिछली बार के नाप से मैं संतुष्ट नहीं था, इस बार आरआई साहब आए हुए हैं, हमें उनको पूरा भरोसा है तो न्याय करेंगे। मान लीजिए हम इलाहाबाद से आए हुए हैं, पिंसरा कला में मैंने कुछ जमीन लिखा ली है तो जितना जमीन मैंने लिखाई है उतना ही जमीन का मैं हकदार हूँ, उससे ज्यादा की जमीन का मैं हकदार नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ स्थिति बन गई थी पिछली बार कि मान लीजिए मैंने अगर 1 बीघा लिखवाया हुआ है तो उसको 1.25 बीघे नाप के लिए दिया जा रहा है। इस स्थिति से मैं संतुष्ट नहीं था, आज आरआई साहब आए हुए हैं और टीम भी दूसरी है तो हम पूरा विश्वास करते हैं कि आज निष्पक्ष तरीके से जांच होगी और नाप होगी और जो पूरा मामला है दूध की तरह पानी की तरह अलग अलग किया जाएगा, हम इसी विश्वास करते हैं। किस मामले में सर यहाँ पर नापी चल रही है? माननीय हाई कोर्ट के निर्देश में हम इंस्ट्रक्शन दाखिल करना है, अजहर अली द्वारा दाखिल है जी। उसी संदर्भ में सर ये काफी निष्कर्ष नहीं निकल पाया, क्या मामला है? हम तो आज पहली बार आए हैं यहाँ पर। तालाब को लेकर नापी हो रहा है, कितना रकबा क्या है, उसका नंबर क्या है? ये आपने यादवपुर नहर से यहाँ तक पेट्रोल टंकी तक नापा, उसका क्या मामला है? वही है हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट का वो है। कितनी दूरी है सर हाईकोर्ट यादवपुर नहर से लेके पेट्रोल टंकी तक?
ये सब तो लिखा हुआ है ना, सब अपडेट में लिखा हुआ है। कब तक ये निर्णय हो जाएगा? तलाब खाली भी नहीं हुआ है, विकास विभाग मैं केवल यहाँ नपवाने के लिए आया हूँ। ये केवल सीमांकन हो गया, अभी अभी सीमांकन नहीं हो पाया? नहीं अभी सीमांकन जारी है।